इसराली लोग जंगल में ही मर गए क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया वो अविश्वास में थे उन्होंने विश्वास नहीं किया और उनके अविश्वास में उन्होंने लड़ने के लिए तैयार होने से इनकार किया कि वो आगे बढ़ें और जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें दिया उसे लेने के लिए तैयार नहीं थे जो तैयार थे वो तो योद्धा थे यहोशू और कालेब को देखिए वो तो तैयार थे कहा चलो चलते हैं हम आसानी से जयवंत होंगे आसानी से वो देश ले लेंगे ये उनकी मनोदशा थी लेकिन जो आलसी थे जो आलसी जीवन में चले गए अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो वो हमें दे देगा वो रुके रहे और वो जंगल में ही नाश हो गए ठीक है एक और वचन में चलते हैं मरकुस अध्याय नौ में ये एक और वचन भाग है और मैं सोचता हूं कि ये तो प्रेरितों के द्वारा हाथों से चुना गया है शायद उन्होंने इसे बार बार सिखाया होगा और इसलिए यहां पर यह लिखा गया है इसकी शिक्षा में बहुत ही बड़ा मूल्य है तो मरकुस अध्याय नौ कहानी वचन सत्रह से शुरू होती है जहां एक मनुष्य आता है अपना बेटा साथ लाता है और यीशु से कहता है कि उसका बेटा तो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है इसमें गूंगी आत्मा है और जब भी आत्मा इसे जकड़ता है तो इसे नीचे गिरा देता है मुंह से झाग निकालता है दांत पीसता है और पलटी मारता है उसने कहा मैं उसे तुम्हारे चेलों के पास ले गया पर वो उसे चंगा नहीं कर पाए वो कुछ भी नहीं कर पाए और फिर वचन उन्नीस में अब यीशु यहां पर बोलते हैं क्योंकि उस लड़के को यीशु के पास लाया गया ये सुनकर यीशु ने उनसे उत्तर देकर कहा हे अविश्वासी लोगो देखे दोष लगा रहे हैं इस परिस्थिति पर जहां वो विश्वास नहीं दिखा रहे हैं इस परिस्थिति के बारे में वो तो दुष्टात्मा से ग्रसित था और वो अपने चेलों को सिखा रहे थे विश्वास के बारे में चंगाई के बारे में ये सारी बातें उसने उन्हें चंगाई देने के लिए भेजा सभी लोगों को और इसने काम किया और अब कहते हैं हे अविश्वासी लोगो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा उसे मेरे पास लाओ उसने कहा ठीक है वचन तो बहुत ही भरा हुआ है देखिए यहाँ कहता है यानी चंगाई और ये सारी जो बातें हैं रुकनी नहीं चाहिए उसी के साथ पर उसे आगे बढ़ना था अच्छा है, तुम सीख लो उसने कहा कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा कब तक तुम विश्वास के बिना रहोगे कब तक मैं तुम्हें सहूंगा उसे मेरे पास लाओ वचन बीस तब वे उसके पास ले आए जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहते हुए लौटने लगा उसने उसके पिता से पूछा इसकी ये दशा कब से है उसने कहा बचपन से तो बचपन से ये लड़का दुख उठा रहा था ये बच्चा ऐसे दुख उठा रहा था आत्मा उस पर आकर उसे गिरा देता था मुंह से झाग निकलता जीभ चबाता दांत चबाता और ये सब और फिर देखिए वचन 22 में उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया पर यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर मैंने कहा यह चुनाव वचन भाग है क्योंकि हमें बहुत कुछ सिखाता है और इसकी मुख्य शिक्षा तो यही है देखिए ये मनुष्य क्या कहता है पिता क्या कहता है परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर या हम पर करुणा कर और हमारी मदद कर तू कुछ भी कर सकता है हम पर करुणा कर और हमारी मदद कर और देखिए यीशु ने क्या उत्तर दिया यीशु ने उससे कहा यदि तू विश्वास करे विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है अब बहुत से लोग जो इस पर कमेंट करते हैं वो बताते हैं कि यहां पर शब्दों का खेल है वो आता है यानी पिता आकर कहता है यदि तू कुछ कर सके क्या कहा यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर और यीशु क्या कहते हैं यदि तू विश्वास करे पिता कह रहा है यदि तू कुछ कर सके और यीशु कह रहे हैं यदि तू विश्वास करे इसे पकड़ ले पिता कह रहा है यदि तू कुछ कर सकता है और यीशु कह रहे हैं सामान्य रूप में सच में मैं कुछ नहीं कर सकता यदि तू विश्वास करे तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है वो इसे फेर देते हैं इसने पिता के शब्द को फेर दिया जिसने कहा कि यदि तू कुछ कर सके और कहा यदि तू विश्वास करे ये ऐसा नहीं कि क्या मैं कुछ कर सकता हूं लेकिन यदि तू विश्वास करे देखिए ये विश्वास के लिए बहुत ही बुनियादी है विश्वास इस बात पर आधारित नहीं कि ये मनुष्य क्या कर सकता है वो क्या कर सकता है इसमें सामर्थ्य है उसमें सामर्थ्य है देखिए आज विश्वासी ऐसी ही दशा में पड़े हैं वो हर जगह पर जाते हैं जहां वो जा सकते हैं देखते क्या उस मनुष्य में सामर्थ्य है और मैं आपको बताऊं अगर उस मनुष्य में सामर्थ्य है अगर आप में विश्वास नहीं है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा ये नहीं कि उस मनुष्य में सामर्थ्य है पर हम में होना चाहिए विश्वास और इसीलिए यीशु यहां पर जोर देते हैं उसकी सामर्थ्य से भी बढ़कर या कुछ करने की उसकी योग्यता से बढ़कर वो जोर देते हैं उसके विश्वास पर इसलिए पहली घटना में जब उस मनुष्य ने आकर कहा जब वो दो दो मनुष्य उसके पास में आए दो अंधे उसके पास आए उसने कहा क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं उन्होंने कहा हां फिर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार ये मेरी योग्यता के अनुसार नहीं पर तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम विश्वास करो ये मुख्य बात है क्योंकि तुम में विश्वास है तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो और यहां ये मनुष्य कहता है यदि तू कुछ कर सके यीशु ने कहा नहीं नहीं यदि तू विश्वास करे ये नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं यदि तुम विश्वास कर सको अगर तुम विश्वास कर सको तो सब कुछ हो सकता है बाइबल यही तो सिखाती है सब लोग कहिए सब कुछ हो सकता है अगर हम विश्वास करें तो अब किसी तरह से चर्च ये सुनना नहीं चाहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है देखिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया सामर्थ्य और अधिकार के साथ में भजनकार कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी परवाह करता है तूने उससे सबके ऊपर रखा है वो सबके ऊपर में स्वामी है परमेश्वर ने मनुष्य को जो स्तर दिया उसे देखकर हैरान है लेकिन मसीविश्वासी हैरान हैं वो इन बातों को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं वे तो कहना नहीं चाहते विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है वे कहते ये मसीहत नहीं है मैं आपसे कहता हूं यही तो मसीहत है क्योंकि मसीहत और यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है क्रूस और इन सब का काम यही है कि मनुष्य को उसकी असली दशा में वापस लाए मनुष्य के बारे में बताया गया कि उसे महिमा और आदर का मुकुट दिया है सबके ऊपर में रखा गया है कि सारी बातों के ऊपर प्रभु और स्वामी हो जाए परमेश्वर को छोड़ सारी सृष्टि के ऊपर और इसीलिए यीशु ने कहा कि जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा कि तू यहां से उखड़ जाओ समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे पर विश्वास करे कि जो कुछ कहता हूं वो हो जाएगा तो उसने जो कहा वैसे ही हो जाएगा इसलिए भजनकार ये कहता है ओ मैं हैरान हूं चकित हूं क्योंकि तूने मनुष्य को इस तरह से बनाया है और इसलिए यहां पर कहता है वो बेचारा मनुष्य जो वो तो ऐसी ही आशाहीन दशा में था वो सोचता है वो सामर्थहीन है कि उसके लिए किसी को कुछ करना होगा वो कहते हैं सुनो तुम विश्वास को समझते हो यदि तुम विश्वास करो तो सब कुछ संभव है सब कुछ संभव है यदि तुम विश्वास करो तो सब कुछ हो सकता है और इसलिए मैं आपसे कहता हूं यदि कोई यीशु पर विश्वास करता है तो केवल पाप क्षमा नहीं किए जाते हैं पापों की क्षमा तो एक बहुत छोटा भाग है इस उद्धार के कृपया समझ लीजिए यह एक छोटा भाग है और हम इसमें बहुत ही संतुष्ट होते हैं हम हजार बार परमेश्वर को धन्यवाद देते संतुष्ट होते हैं कि आखिरकार हम स्वर्ग में जाएंगे लेकिन उद्धार तो केवल हमारे पापों की क्षमा के बारे में ही नहीं है उद्धार तो ये हमारे बारे में है कि हम उस जगह पर वापस जाए जिसमें मनुष्य को परमेश्वर ने शुरू में रखा उद्धार तो हमारा सामर्थ्य और अधिकार में वापस आना है उद्धार तो इसलिए है कि हमें वापस लाए सामर्थ्य और अधिकार के लोग बनाए उद्धार तो इसी के बारे में है तो यीशु कहते हैं यदि तुम विश्वास करो मनुष्य कहता है यदि तू कुछ कर सके यीशु ने इसे बदल कर कहा यदि तू विश्वास करे और बहुत से इंग्लिश अनुवाद हैं जबकि आप लोग इंग्लिश समझते हैं इसलिए मैंने इसे यहाँ पर पहले भी पढ़ा है इसे पढ़कर इसका अर्थ बताया है कुछ इंग्लिश अनुवाद बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं अमेरिकन इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन इस तरह बताता है उस व्यक्ति के कहने के बाद यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर यीशु का उत्तर देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में इस तरह से बताया है कहा हाँ यीशु ने कहा यदि तू कर सके एक्सप्लेनेशन यदि तू यदि तू ये करे यदि तू कुछ कर सके तो कृपया हम पर तरस खा और हमारी मदद कर ये मनुष्य की बिनती थी और यीशु ने कहा हां यदि तू कर सके यदि तू कर सके यानी तू विश्वास कर सके यदि तू कर सके फिर कहा हां सब कुछ संभव है विश्वास करने वाले के लिए गुड न्यूज ट्रांसलेशन ये एक और अच्छा अनुवाद है जो कहता है यीशु ने हां कहा उस मनुष्य से यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा मदद कर यीशु ने कहा हां यदि तू खुद ये ऐसा कर सके ये तो बेहतर है यदि तू खुद ये कर सके तो जिसमें विश्वास है उस व्यक्ति के लिए सब कुछ हो सकता है जिस व्यक्ति में विश्वास है उसके लिए सब कुछ संभव है लेकिन यदि तू खुद देखिए ये जो है ये बहुत ही सामर्थ्य है वो समझ गए कि यहां पर क्या हो रहा है यदि तू खुद ये कर सके वो व्यक्ति पिता ये सोचते हुए यीशु के पास आता है ये वरदान पाया मनुष्य है परमेश्वर का जन है इसके पास सामर्थ है हमने चंगाई देखी है यहां व इसके बारे में बहुत कुछ सुना है सोचता है ये कर सकता है लेकिन सारा जोर इस मनुष्य के विश्वास पर रखा गया है जहां यीशु ने कहा यदि तू खुद ये कर सके मैं सोचता उसे लगा होगा कि उसका विश्वास मायने रखता है लेकिन यीशु ने कहा यदि तू खुद कर सके यदि तू खुद ये कर सके महान है देखिए उद्धार तो विश्वास का मॉडल है आप कैसे उद्धार पाते हैं रोमियो दस नौ और दस कहता है यदि अपने मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो तुम उद्धार पाओगे ये वचन नौ है ये उद्धार पर महान वचन है आप कैसे उद्धार पाते हैं अगर कोई आए मैं मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करना चाहता हूं हम कहते हैं अपने मुंह से अंगीकार करो प्रभु के रूप में अंगीकार करे अपने हृदय में विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो तुम उद्धार पाओगे ठीक है वो व्यक्ति आता है क्योंकि वो कायल है और पवित्र आत्मा उसमें काम कर रहा है और ये सब कुछ होता है विश्वास से उसे अपने मुंह से उसे प्रभु अंगीकार करना होगा हृदय में विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने उसे जिलाया दूसरी बातों के लिए विश्वास में कैसे काम करते बिल्कुल इसी तरह मुंह से अंगीकार करे अपने हृदय में विश्वास करे चंगाई कैसे पाते हैं अपने मुंह से अंगीकार करे हृदय में विश्वास करे छुटकारा कैसे पाते हैं अपने मुंह से अंगीकार करे अपने हृदय में विश्वास करे आपने शुरू में उद्धार के समय ऐसा ही किया लेकिन अभी हर समय आप इसे कीजिए जैसे विश्वास में काम करते हैं ये तो विश्वास की बुनियादी कसरत है अपने मुंह से अंगीकार करे अपने हृदय में विश्वास करे विश्वास ऐसे ही काम करता है उद्धार विश्वास का मॉडल है केवल इतना ही नहीं उद्धार को देखिए परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो परंतु यही कि सब परमेश्वर का ज्ञान पाए परमेश्वर के ज्ञान में आए लेकिन देखिए कितने लोग नाश होते हैं जैसे मैंने कहा इसराइली लोग जंगल में नाश हो गए एक पीढ़ी नाश हो गई यहुश और कालीब को छोड़कर वो जंगल में नाश हो गए क्यों क्योंकि यह साबित करता है कि हालांकि ये तो परिपूर्ण परमेश्वर की इच्छा थी कि वो प्रतिज्ञा के देश में जाए परमेश्वर ने उनसे कहा मैं तुम्हें ले जाऊंगा बड़े और उत्तम देश में जहां दूध और मधु की धारा बहती है पर उन्हें वहां नहीं ले जा पाया वो तो जंगल में ही मर गए क्यों क्योंकि हालांकि ये तो परमेश्वर की सिद्ध योजना इच्छा और उद्देश्य था फिर भी ये नहीं हुआ क्यों क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन में ऐसे नहीं होता कृपया सुनिए सब कुछ हमारे जीवन में इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है या ये परमेश्वर की योजना है या परमेश्वर का उद्देश्य है ये बस ऐसे अपने आप नहीं होता है सब कुछ ऐसे ही नहीं होता और हम परमेश्वर से सब कुछ ऐसे ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमें कुछ चीज़ों की जरूरत है और परमेश्वर ये जानते हैं सब इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये चीजें अच्छी है सही है न्यायी है और इसलिए मेरे साथ इसी तरह से होना चाहिए नहीं आप सब कुछ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि ये तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है परमेश्वर की योजना है और उसका उद्देश्य है तो हम कैसे पाते हैं सब कुछ विश्वास से पाते हैं सब कुछ विश्वास से हमें इसी तरह से जीना चाहिए परमेश्वर की इच्छा इसलिए यह नहीं होता है कल्पना कीजिए यदि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है कुछ लोग यही तो सोचते हैं ये होगा परमेश्वर की इच्छा है तो होगा अब परमेश्वर की इच्छा सभी के जीवन में होने लगे और ये ऐसे ही हो जाए तो फिर कम से कम सारे विश्वासी बहुत ही अच्छे होंगे ना उनका जीवन बहुत आशीषित होगा हाँ वो हर तरीके से आशीष पाएंगे लेकिन सच्चाई है कि ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि केवल ये कहना कि ये परमेश्वर की इच्छा है इसलिए ये मेरे साथ अपने आप हो जाएगा ये कहना गलत है हाँ, परमेश्वर की इच्छा महत्वपूर्ण है वो स्थापित हो चुकी है लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर की इच्छा जानते हैं लेकिन जब तक आप विश्वास से काम ना करें कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे ले ले या आपके साथ कभी नहीं होगा आपके साथ कभी नहीं होगा हाँ बाइबल यही सिखाती है अब जब हम ऐसा कुछ सिखाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है दोष लगाने की इसके बारे में वो कहते हैं खैर ये शिक्षाएं वो नहीं समझते हैं कि परमेश्वर के आशीष के कुछ दृष्टिकोण हैं जो कि अभी के लिए हैं फिर परमेश्वर के आशीषों के कुछ दृष्टिकोण अनंतकाल के लिए होंगे मसीह शिक्षा में ऐसा कुछ है जिसे कहते हैं अभी और अब तक नहीं यानी ऐसी आशीषें जिनका अभी आनंद उठाते हैं कुछ आशीषें जिनका आनंद अभी नहीं उठा सकते हैं राह देखनी है ये अभी तक नहीं है अभी उसका आनंद नहीं उठा सकते ये तो अनंत काल में ही होगा तो ये जो लोग हैं वो नहीं जानते कि ये लाइन कहाँ पर रुकती है उन्हें वो लाइन पता नहीं जो अभी और अभी नहीं के बीच है तो वो सोचते हैं जो अभी नहीं है वो चीजें अभी उपयोग कर ले नहीं हम इस तरह नहीं सिखा रहे हैं मैं अभी और अभी नहीं की शिक्षा जानता हूं चलिए कुछ उदाहरण देता हूं अभी और अभी के लिए नहीं हाँ अब उदाहरण के लिए पाप पाप देखिए पाप के संसार में देखिए पाप तो हमेशा हमारे आसपास है हम पाप की उपस्थिति में रहते हैं हम पाप से घिरे हैं हर जगह आशा आप इसे जानते हैं लेकिन हम विश्वासियों से अपेक्षा की जाती है कि पाप पर जैवंत हो और उस पाप के ऊपर जिए और उस पाप पर विजयी जीवन जिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की मदद चाहिए क्योंकि पाप में संसार है पाप हर जगह पर है आप जहाँ भी मुड़े वो वहाँ है लेकिन हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं चुने हुए लोग हैं इसलिए हमें पाप के ऊपर जीना है क्या वो अभी है या अभी नहीं है ये अभी है पाप का कौन सा दृष्टिकोण अब तक नहीं है कौन सा दृष्टिकोण अब तक नहीं का भाग है अभी नहीं का भाग कौन सा है यानी देखिए ये जो ये जो अनंत काल है वहां पाप कभी नहीं होगा कि उससे निपट सके क्योंकि जो पाप की उपस्थिति है वो मिटा दी जाएगी अब पाप का जो दंड है वो हटा दिया गया है जानते हैं यीशु मसीह के द्वारा पाप की सामर्थ पर जय पाई है वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा वो पाप की सामर्थ से छुड़ाए गए पाप के दंड से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लेकिन भविष्य में अनंत काल में पाप की उपस्थिति ही मिटा दी जाएगी यह है अभी और अभी नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हम स्वर्ग में जी रहे हैं जब हम इस तरह की बातें कहते तो कहते हैं तुम अभी स्वर्ग में नहीं हो याद रखना तुम पृथ्वी पर हो मैं अच्छे से जानता हूं हम पृथ्वी पर हैं मैं पृथ्वी पर हूँ फिर भी विश्वास करता हूं इस पाप में पृथ्वी पर मैं परमेश्वर के लिए जी सकता हूँ पाप से आजाद होकर पाप पर विजय पाकर पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा और वचन के द्वारा दूसरी बात एक और उदाहरण शैतान शैतान तो अभी की बात है इफीसी छे एक एक वचन मैंने आपको इफीसी छे से सिखाया आत्मिक युद्ध के बारे में आत्मिक युद्ध क्यों है ये तो अभी का विषय है क्योंकि हमें शैतान के साथ अभी निपटना है वही बहुत सी समस्याओं के पीछे कारण है वो बहुत गड़बड़ी ला रहा है वो तो नियंत्रण कर रहा है लोगों के मन पर हृदय पर और विचारों पर और लोगों की भावनाओं पर वो समाज में और देश में इस तरह से काम कर रहा है तो हमें उसके मार्ग जानना होगा समझना होगा वो कैसे काम करता है ताकि हम उसके बारे में सचेत रहे और उस पर जय पाए और सचेत हो जाए और उसके जाल में बिल्कुल न फंसे तो हम जांचने उन मार्गों को जिसमें शैतान काम करता है वो पुराना शैतान उसके पास नई युक्ति नहीं है और वो इतना बुद्धिमान भी नहीं है वो वही पुराने काम कर रहा है और इसलिए हम बाइबल से सीखते हैं वो कैसे काम करता है ठीक है पर भविष्य में जो अभी नहीं उसमें यानी अनंत काल में शैतान नहीं होगा कि उससे निपटें कल्पना कीजिए जीवन कैसे होगा जब शैतान नहीं होगा अगर अभी शैतान नहीं तो यहां पर स्वर्ग हो जाता उस एक को हटा दीजिए बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा पर समस्या यह है कि वो अभी है ठीक है <laughs> लेकिन अनंत काल में वो नहीं होगा हम आजाद होंगे उसके सारे कामों से उदाहरण के लिए देखिए बीमारी सुनिए बीमारी संसार तो बीमारी से भरा है ये पाप के श्राप का संसार है बीमारी तो वास्तविकता और तथ्य है और इसीलिए तो बहुत से हॉस्पिटल्स हैं वो काफी नहीं है और भी चाहिए हमें ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए हॉस्पिटल्स चाहिए और भी चाहिए दवाइयाँ और ये सब नहीं तो फिर लोग मर जाएंगे ये तो हर तरफ से होने वाला हमला है आपको जाकर बीमारी लेनी नहीं पड़ती है वो तो आपके पास आती है आप जहां भी है आप केवल पानी पीजिए तो वो आ सकती है आप हवा सूंघिए और वो आ जाएगी ये इस तरह से है क्योंकि ये पाप के श्राप का संसार है बीमारी हर जगह पर है लेकिन अगर आप बीमार हो जाए जब आप बीमार हो जाए क्या आप अपने बैग पैक करके कहते मुझे लगता है स्वर्ग में जाने का समय आ गया है क्योंकि अब मैं बीमार हूँ बीमार हो गया हूँ मैं सोचता हूँ ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं चली जाऊँ स्वर्ग में नहीं मैं नहीं जाऊँगा मैं तो एक समय बिल्कुल मरने पर था लगभग ग्यारह साल पहले मैं अस्पताल में था मरने पर था और मैंने जोर दिया मैं तो जीना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर काम करने हैं मैं जा नहीं सकता <laughs> मुझे यहाँ पर रहना है कई बार आपको अपने जीवन के लिए लड़ना पड़ता है बीमारी के विरुद्ध में खड़े रहकर लड़ना पड़ता है आपको विश्वास में काम करना है विश्वास उपयोग करे विश्वास इसी के लिए है आपको कहना है नहीं यीशु मसीह के नाम में मैं मरूंगा नहीं पर मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा अगर आप पैक करके तैयार है कहेंगे प्रभु मुझे ले जा तो मैं जानता वो आपको जरूर उठाएगा जानते हैं <laughs> पर यहां के सभी लोग आपको मिस करेंगे <laughs> तो मत जाइए <laughs> यहां पर रहिए जब तक रह सकते जितने ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं और सामर्थ्य रीति से पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाइए और परमेश्वर के लिए काम करें, परमेश्वर के लिए जिए परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने आपको जिसके लिए बुलाया उसे पूरा कीजिए और फिर अपनी आंखें बंद करके कहिए प्रभु मैं तैयार हूं तो आप चले जाएंगे हेलो <laughs> क्या आप सुन रहे हैं <laughs> हम बीमारी से चंगाई पर विश्वास करते हैं जब बीमारी आती है तो हम ऐसे मर नहीं जाते हैं और कहते हैं कि ये चैप्टर खत्म हो गया नहीं हम नया चैप्टर खोलते हैं चंगाई का नया चैप्टर नए नय भविष्य का नए कल का सब कुछ बदल जाता है प्रभु का नए तरीके से अनुभव करते हैं परमेश्वर के चमत्कारों का अनुभव करते हैं परमेश्वर से चंगाई ये सब कुछ हमारे साथ होता है क्योंकि हम विश्वास से खड़े रहते हैं ठीक है आप गलत सिखाने के लिए मुझ पर दोष लगा सकते हैं अगर मैं ये कहूं कि आप कभी मरेंगे ही नहीं जो मैं नहीं कहता मैं जानता हूं कुछ लोग कहते हैं पर मैं नहीं कहता हम ये नहीं सिखाते कि हम कभी नहीं मरेंगे बाइबल कहती है कि हम मरेंगे हर एक मनुष्य के लिए मरना तो निश्चित है इस संसार में तो ये अभी तक नहीं का दृष्टिकोण है कभी न मरने की बात तो बाद में आती है अनंत काल में जब हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहते हैं और कभी नहीं मरते हैं और फिर मृत्यु न रहेगी बाइबल कहती है मृत्यु ही नहीं वो संसार कितना अच्छा होगा पास्टर के रूप में जानते हैं मैं एक काम करता हूं और वो है कि मैं फ्यूनरल्स में जाता हूं जब भी मैं फ्यूनरल में जाता हूं मैं उस दिन की कामना करता हूं जहां कोई फ्यूनरल नहीं होगा <laughs> कि कोई फ्यूनरल नहीं होगा मैं बता दूं वो दिन आ रहा है अभी नहीं पर आ रहा है तो हम इस गड़बड़ी में पड़े नहीं हैं कि अभी क्या उपलब्ध है और भविष्य में क्या उपलब्ध होगा हम बहुत स्पष्ट है कि अभी क्या उपलब्ध है कहिए कोई अगर आपको 100 मिलियन डॉलर या 100 करोड़ आपको दें आपके बैंक में अभी सीधे बैठेंगे अभी गौर से सुनेंगे <laughs> किसी ने आपके बैंक में 100 करोड़ रुपए दिए हैं और डील ये है कि आप इसे छू नहीं सकते इसे अभी नहीं ले सकते हैं लेकिन हर महीने आप इससे ब्याज ले सकते हैं ताकि उसके द्वारा आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए उस व्याज के द्वारा जानते हैं क्या ये सौ करोड़ हर महीने आपको क्या देंगे कहते हैं अगर एक करोड़ है तो वो आपको पचपन हजार रुपए प्रति महीने देंगे इसे सौ गुना बहुगुणित कीजिए वो आपको हर महीने मिलेगा पचपन हजार गुना सौ ये होते हैं पचपन लाख क्या ये बहुत कम लगता है <laughs> कितने लोग सोचते आपकी सारी जरूरत पूरी करेगा अभी आपके इस जीवन के लिए अभी आप इस तरह से बैठकर ऐसे काम नहीं करेंगे जैसे कि आप बिल्कुल गरीबी में पड़े हैं क्योंकि जिसने सौ करोड़ दिए हैं उसने कहा कि आप इसे छू नहीं सकते हैं नहीं उसने कहा है आप उसके कुछ भाग का आनंद उठा सकते हैं उसके ब्याज का भी आनंद उठा सकते उन पैसों को नहीं छूना लेकिन उसके ऊपर के ब्याज को ले सकते हैं और जबकि ब्याज ही इतना ज्यादा है तो मैं अभी आनंद मनाऊंगा हेलो मैं केवल व्याज पर जी रहा हूँ परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार जो कि मुझे दिया गया है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं तो लेते जा रहा हूँ उस व्याज से मैं हर महीने ले रहा हूं हर एक दिन हर एक पल और हर एक सेकंड में उस बड़े स्रोत से जो परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है ऐसी कुछ चीजें हैं जिसे अभी नहीं छू सकता हूँ जिसे मैं अभी नहीं पा सकता मैं इसे समझता हूँ इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका भविष्य में आनंद उठाया जा सकता है लेकिन मैं निश्चित जानता हूँ कि ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका अभी आनंद उठा सकता हूँ वो तो मेरी हैं अभी मुझे यहाँ पर बैठ अभी भूख के मरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत से स्रोत हैं जो परमेश्वर ने मेरे लिए उपलब्ध किए हैं यीशु मसीह के द्वारा मेरी आत्मा के लिए मेरे प्राण के लिए और मेरे शरीर के लिए मेरे जीवन के हर एक दृष्टिकोण के लिए परमेश्वर ने बहुतायत से दिया है क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं और आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के प्रेम ने और उसके अनुग्रह ने सारा प्रबंध कर दिया है यही तो संदेश है मैं कैसे ले सकता हूं मैं कैसे इसे विड्रॉ कर सकता हूं विश्वास के द्वारा क्या आप इसे विड्रॉ कर रहे हैं <laughs> कुछ लोगों ने विड्रॉ ही नहीं किया है वो जानते ही नहीं ये बैंक में है <laughs> ये वहां पर है ये वहां पर है सेहत वहां है और हर तरह की आशीष वहां पर है आपके आत्मा प्राण और शरीर के लिए आपको जो भी चाहिए सब है आप प्रतिदिन उससे विड्रॉ कर सकते हैं आपकी सारी चुनौती सारी मुश्किलें और हर एक जरूरत के बीच में लेने के लिए तो पर्याप्त से बढ़कर है उस बड़े स्रोत से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है आमेन तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं आमेन आइए अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें तो हम हर हफ्ते विश्वास के बारे में सुनेंगे हर एक हफ्ते में अगर आपका विश्वास इतना मायने रखता है तो विश्वास के बारे में सुनते हुए ज्यादा समय बिताएं विश्वास के बारे में सीखें क्योंकि ये मायने रखता है विश्वास के बारे में नहीं जानते तो बहुत कुछ खो देंगे विश्वास के बारे में जानते हैं तो आप सच में परमेश्वर के लिए जी सकते हैं क्योंकि जीने के लिए एक ही तरीका है विश्वास के द्वारा और विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते आमेन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आते हैं धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए आयत के अनुग्रह के लिए जिसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है इस जीवन के लिए और आपका वचन कहता है कि जीवन और भक्ति के संबंध में हर एक चीज हमें दे दी गई है धन्यवाद देते हैं हमारे वर्तमान के जीवन के लिए और अनंत काल के लिए सब कुछ प्रबंध कर दिया है हमारी अच्छी देखभाल की गई हम छुड़ाए गए हैं हम आपके हैं और जो कुछ भी आपका है वो सब हमारा है हम आपकी संतान हैं मेरी प्रार्थना है कि आप हमें विश्वास सिखाए हर एक समय जब हम यहाँ पर आते हैं हर रविवार जैसे हम आते हैं हम विश्वास सीखेंगे कि विश्वास में काम करें विश्वास में बढ़ते जाए विश्वास में चले कि परमेश्वर पर आधारित रहें हमारे जीवन की हर एक जरूरत हर एक समस्या के लिए और विश्वास से जीवन की सारी चुनौती पर जय पाए और हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में आगे बढ़ते जाए हम लोगों पर आशीष की प्रार्थना करते हैं कि ये सच्चाई निरंतर इनके हृदय और इनके मनों में बचते चले जाए और इन बातों के बारे में इन्हें महान प्रकाशन मिले यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं आमेन अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से एक के साथ होती रहे अब और हमेशा के लिए आमेन